नमस्कार दोस्तों स्वागत है डेली स्टडी में आज है तारीख 21 20 जनवरी 2019 और इस वीडियो में देखेंगे आज का इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स का क्वेश्चंस तो पूरा वीडियो आप ध्यान से देखते रहिए और आज की वीडियो का आप पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है तो चलिए शुरू करते हैं फर्स्ट पेटीएम कंपनी ने अपने ग्राहकों को बैंक की एफ से दोगुना लाभ देने के लिए हाल ही में कौन सी सर्विस शुरू की है उत्तर होगा डी नंबर ऑप्शन पेटीएम मनी तो देखिए हाल ही में पेटीएम कंपनी ने अपने ग्राहकों को बैंक की एफ से दोगुना लाभ देने के लिए पेटीएम मनी सर्विस शुरू की है जिसके जरिए निवेशक म्यूचुअल फंड खरीद सकते हैं पेटीएम के वर्तमान में सीईओ है सतीश कुमार गुप्ता और पेटीएम के फाउंडर है विजय शेखर शर्मा नेक्स्ट भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थापित किया गया है उत्तर होगा ए नंबर ऑप्शन महाराष्ट्र तो देखिए हाल ही में भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय संग्रहालय महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में स्थापित किया गया है और इस संग्रहालय से न सिर्फ फिल्म समीक्षकों को फायदा होगा बल्कि इसमें उपलब्ध दृश्य सामग्री चित्रों मल्टीमीडिया प्रदर्शनियों का आनंद फिल्म प्रेमी भी उठा सकेंगे लगभग एक सौ करोड़ रुपये की लागत से बने इस म्यूजियम को नेशनल काउंसिल ऑफ साइंस म्यूजियम द्वारा क्यूरेट किया गया है अब भारतीय सिनेमा का राष्ट्रीय संग्रहालय महाराष्ट्र में स्थापित की गई है तो आप मैप में देखिए यह है महाराष्ट्र महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई यहाँ के मुख्यमंत्री है देवेंद्र फडणवीस यहाँ के गवर्नर है चेन्नमेनी विद्यासागर राव और जब भी महाराष्ट्र की बात आए तो आपके माइंड में तुरंत आठ प्रश्न आ जाने चाहिए एक गोगाल नेशनल पार्क दूसरा ताडोबा नेशनल पार्क तीसरा तांसा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी चौथा भाभा परमाणु अनुसंधान संस्थान केंद्र ट्राम्बे जो कि मुंबई के नज़दीक है पांचवा तारापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट छठा जैतापुर न्यूक्लियर पावर प्लांट और सातवा लोनार झील और आठवां सबसे इंपॉर्टेंट महाबलेश्वर से कृष्णा नदी निकलती है जो कि महाराष्ट्र में है नेक्स्ट नई दिल्ली में भारत और किस देश की अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के बीच ऋण समझौता हुआ है उत्तर होगा सी नंबर ऑप्शन जापान तो देखिए हाल ही में नई दिल्ली में जापान के सरकारी विकास सहायता ऋण कार्यक्रम के अंतर्गत भारत और जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के बीच ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए हैं अब बात आई है जापान की तो जापान के बारे में आपको तीन प्रश्न याद रखने हैं जापान की राजधानी है टोक्यो यहाँ की करेंसी है जापानी जी और यहाँ के वर्तमान में प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति है सिंजो आबे और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है हेल्पफुल लगता है तो वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और शेयर भी कर दिया कीजिए आप लोग थोड़ा सपोर्ट कीजिए वीडियो को शेयर किया कीजिए नेक्स्ट केंद्र सरकार की कौन सी योजना से रोजगार सृजन में 2019 तक एक करोड़ से अधिक लोगों को लाभ पहुंचा है उत्तर होगा बी नंबर ऑप्शन प्रधानमंत्री रोजगार प्रोत्साहन योजना नेक्स्ट फिलीपींस के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति हेनरी सी का हाल ही में कितने वर्ष की आयु में निधन हो गया है उत्तर होगा सी नंबर ऑप्शन चौरानवे वर्ष तो देखिए हाल ही में फिलीपींस के सबसे बड़े अमीर व्यक्ति हेनरी सी का चौरानवे वर्ष की आयु में निधन हो गया है और फौज के अनुसार हेनरी सी एक दशमलव बयालीस लाख करोड़ रुपए यानी कि दो हजार करोड़ डॉलर की, की संपत्ति के मालिक थे नेक्स्ट हाल ही में स्वीडन के प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है उत्तर होगा सी नंबर ऑप्शन स्टीफन लोवेन तो देखिए हाल ही में स्टीफन लोवेन स्वीडन के लगातार दूसरी बार प्रधानमंत्री बने हैं स्वीडन की राजधानी है स्टॉकहोम यहाँ की करेंसी है स्वीडिश क्रोना नेक्स्ट अब देखते हैं पिछले दिन का प्रश्न का उत्तर कल मैंने प्रश्न पूछा था किस राज्य सरकार ने कर्ज माफी योजना जय किसान ऋण मुक्ति योजना का शुभारंभ किया इसका सही उत्तर था ए नंबर ऑप्शन मध्य प्रदेश सरकार अब देखते हैं आज का प्रश्न जिसका उत्तर आपको कमेंट करके बताना है आज का प्रश्न है किस वरिष्ठ आई अधिकारी को राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का महानिर्देशक नियुक्त किया गया है ऑप्शनस आपके सामने हैं और इसका सही उत्तर आपको कमेंट करके नीचे देना है तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करके जाइएगा और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बगल में बनेगा बेल आइकन यानी कि घंटे उसको भी जरूर दबा दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे और ये वीडियो को शेयर भी कर दें अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा थैंक यू